प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? हाँ बच्चों, आप सबको अपनी पाठशाला का याद आ रही होगा, है ना? कोई बात नहीं, आज हमारे पाठशाला की सैर करेंगे। बच्चों, आप सबको मालूम ही होगा पाठशाला में क्या-क्या होती है। हर एक पाठशाला में कम से कम 5 कक्षा कक्ष होते हैं, और यहाँ एक कक्षा कक्ष का चित्र है। बताइए यह कौन सी कक्षा है? हाँ देखिए, श्याम पट पर लिखा हुआ है ना। हाँ सही है, यह 6वीं कक्षा है। और बताइए अध्यापिका जी क्या कर रही हैं? अध्यापिका जी पाठ पढ़ा रही हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए, हाँ एक लड़का लिख रहा है और एक लड़का खिड़की से बाहर देख रहा है, और एक लड़का पढ़ रहा है, और दो बच्चे चित्रों को देख रहे हैं। अच्छा, अब बताइए कक्षा में क्या क्या है? देखिए कक्षा में श्याम पट है, लड़के के हाथ में खड़िया है, दरवाजे खिड़की स्लेट पुस्तक किताब आदि है ना, दिख रहा है ना आप सबको? ठीक है, दीवार पर कौन से शब्द और चित्र है? देखिए बताइए। हाँ कलम, मटर, ऐनक, फल। और देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना खुशी से अपना अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वे सब पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। हाँ बच्चों, ये छात्र अपनी पढ़ाई के बाद खूब खेलते हैं और बगीचे का काम भी करते हैं, कई सारे पेड़ पौधे लगाते हैं और अपने मित्रों से मौज मस्ती भी कर लेते हैं। पाठशाला में अध्यापकों की बात भी सुनते हैं, प्रधानाध्यापक जी का आदर भी करते हैं। हाँ बच्चों, आपकी पाठशाला और आपकी कक्षा भी ऐसा ही सुंदर होगा, सही है ना? तो आपको अपने मित्र और अध्यापक की याद आ रही होगी। तो हम सब भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हम सब जल्दी से जल्दी अपने पाठशाला में मिले, और तब तक अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त रहे। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ गृहकार्य को देखेंगे। नीचे दिए गए अक्षरों से सही शब्द बनाइए, समझ में आया ना? हाँ, दिए गए अक्षरों से सही शब्द बनाइए।